have something also you can record in case. It just this my mind also. First of all, welcome to our channel. And you know, with the start, how have you been? I've been great after COVID. And yes, my film released, that is Runway 34, starring Mr. Big B and Ajay Devgan sir and Baman sir. And I'm also doing the film, so kahin na kahin wo excitement rahi hai. We've just finished that, aur uske alawa television kar hi rahe hain. ऑन अ जेन्युइन साइड प्रिपरेशन की ज़रूरत इतनी नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली ऑन द सेट्स एंड धुरंधर सारे थे तो कहीं ना कहीं पता है आपको बताया गया ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो और इट वॉज अ पॉजिटिव कैरेक्टर कहीं ना कहीं मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है यूसुफ रंगून वाला ही इज़ एविएशन के हेड हैं जो पायलट एसोसिएशन के हेड हैं एंड ही इज़ हेल्पिंग अजय सर कैरेक्टर विच इज़ विक्रांत तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से निकालने में मदद कर रहे हैं एंड ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो सो That's a character which I'm playing. When it coming down to this film, there are big names to it. There is Ajay sir, there is, you know, Rakul ma'am, there is Boman sir. Yeah. So, un sab ke saath kaam karne ka experience kaisa raha? And, you know, if you can share some stories to me, sir, aisa kuch step pe hua ho jo shayad log bana sakta ho. Ji. ऑफ कोर्स के जैसे कई बार हमने जिक्र किया है कि बच्चन साहब का एक यू नो जब पुली के दौरान वो उनको चोट लगी थी तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बहुत छोटा था तो मी एंड माय सिस्टर वाज देयर सो सिस्टर मेरे से बड़ी थी तो वो लेटर लिख के हमने भेजा था एंड उसका रिस्पांस आया सर ने फोटोज़ भेजी और जय जी ने साइन करके हमें वो लेटर मेरे पास आज तक पड़ा था और कहीं ना कहीं मैंने वॉज वर्किंग विद अभिषेक ऑल्सो आई शोड दैट यू नो के एट दिस बट बच्चन साहब से मौका मिला और मैंने बिकॉज वी हैड सो मच टाइम एंड वी आर सिटिंग यू नो ड्यूरिंग द सीन्स तो उनसे बात की और ऑफ कोर्स मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वर्किंग विद बच्चन सर क्योंकि बचपन से जिनको देखते हुए आप बड़े हुए हो और ही इज़ बीन आइडल सो उनके साथ और अजय सर के साथ भी इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज उनके लिए ये टास्क था क्योंकि ही वॉज प्लेइंग थ्री डिफरेंट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ एज अ डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर और एज एन को आर्टिस्ट एक्टर ऑल्सो सो ही मेड अस कम्फर्टेबल वेरी वेरी कम्फर्टेबल ऑल ऑफ अस बिकॉज जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको कहीं ना कहीं ही वॉज वेरी चिल्ड आउट एक रोल जो आप एज अ डायरेक्टर निभा रहे हो फिर भी ही वॉज सो कूल सो कहीं ना कहीं दैट वॉज रियली रियली हैट्स ऑफ टू हिम ही वॉज अमेजिंग एंड बमन सर वॉज अ यू नो वेरी काइंड एंड स्वीट एंड यू नो हम्बल एंड नाइस पर्सन एंड नॉट वाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज मैंने उनको बातों में कहा कि अरे सर इतने साल से आप कर रहे हैं सो हम्बल एंड सो काइंड यू सो नाइस एंड ही रिस्पॉन्डेड ऑन दैट कि यार तू भी तो कितने साल से काम कर रहा है एंड यू बीन ऑल्सो सो नाइस एंड सो हम्बल एंड ऑल दैट सो आई वाज लाइक सो स्वीट आई कांट कंपेयर बट द क्वेश्चन इज के यू नो सम पीपल डोंट नीड टू प्रिटेंड दे आर लाइक दे आर दैट सो ही इज द वन रकुल वॉज स्वीट मैंने रकुल को बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं साथ में काम कर रहे हैं तो रकुल के साथ और भी फिल्में उन्होंने की हैं तो थ्रू देम आई हैव नोन रकुल और आई मेट हर एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस एंड स्वीट एंड मैनी टाइम्स इधर हम लोग बैठे तो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ की बातें होती हैं यू नो ऑलवेज सो इट बीन नाइस एक्सपीरियंस विद हर ऑल्सो शी इज़ बीन वंडरफुल एंड शी लुक्स प्रीटी एंड दैट यू विल सी ऑन द स्क्रीन सो दैट एक्सपीरियंस एंड बमन सर की येस ऑफकोर्स यू सेड के फोटोग्राफर या ही वॉज अ लवली फोटोग्राफर ही स्टिल इज वन एंड मल्टी टैलेंटेड गाय तो कहीं ना कहीं एक दिन हम लोग बैठे हैं ऐसे अचानक मैं बैठ के कुछ कर रहा हूँ और बमन सर हे ऋषि हिलमत मुझे लगा क्या हो गया हिलमत बिकॉज ही वॉज क्लिकिंग माई पिक्चर एंड मैनी पिक्चर्स ही क्लिक्ड एंड ही सेंट मी एंड दोज़ वर लाइक ऑब्वियसली इट वॉज हिज हम भी मोबाइल से खींचते हैं लेकिन वैसा नहीं खींच पाते तो कहीं ना कहीं यू नो ही क्लिक्ड एंड लवली पिक्चर्स फॉर मी सो वेरी स्वीट डेफिनेटली मैंने भी सुन रखा था काफ़ी जैसे अक्षय सर के बारे में या इनके बारे में सब
मुझे लगा वैसा हम लोग इतने दिन थे, ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं था मुझे लगा, क्योंकि मे बी अजय सर इतना इन्वॉल्व थे अपनी एक्टिंग में, प्रोडक्शन में या फिर डायरेक्शन में, तो 24 घंटा ही वॉज ऑक्यूपाइड, सो वो एक चीज़ मिली नहीं। लेकिन हाँ, आई रिमेंबर जैसे उनका बर्थडे आता है 2nd को, तो 1 अप्रैल की बात है कि हम लोग, और किसी को रियलाइज़ नहीं हुआ, हम लोग शूट कर रहे हैं और अचानक जैसे मैं बैठा हूँ और मैं सीन में, मेरा शॉट चलने वाला था तो मैं देख रहा हूँ ऐसा, माई कलीग्स कम्स एंड ही टेल्स मी, अरे ऋषि सर मैं पता नहीं, मुझे ना कुछ चीज़ें चार चार दिख रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यू नो लाइक ब्लर हो रहा है, फिर वो हिलने लगा, तो मुझे लगा यार ये क्या है, कोविड कोविड में ये कुछ एक नया सिम्टम्स तो नहीं आ गया, बिकॉज यू नो उस समय बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही थी, ब्लैक फंगस ये वो, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ और सिम्टम्स हैं कि भाई अभी कोविड हुआ है उसको भी मिला, आप एक काम करो शांति से बैठ जाओ चुपचाप, एंड यू नो विल सी, डोंट रोम अराउंड। थोड़ी देर में देखा दूसरा आ रहा है हिलता हुआ, लाइक ये क्या है, फिर देखा थोड़ी देर में तीसरा कोई पकड़ के ऐसा कुछ कटर, तो सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही थी। आई डिडंट रियलाइज जब आई लुक्ड एट अजय सर एंड अजय सर वर लाफिंग एंड व्हेन पैकअप हुआ, मतलब ये चल रही थी चीज़ें, फिर ऑफ कोर्स शूटिंग खत्म हुई और माय ड्राइवर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, मैं उसको बोल रहा हूँ यार चल चलें, ही इज लुकिंग एट मी, मेरा चलें, मेरा क्या हो गया तेरे को, ही इज नॉट मूविंग ओनली, तो मतलब ऐसा सुन, कोई बहुत हंस रहा कोई हिला डुला है, तो वो चीज़ें हो रही थी, मैंने बोला चलो चले, हाँ सर गाड़ी, मैंने चलाएगा गाड़ी, बोला हाँ चलाऊँ गाड़ी, मैंने नहीं एक काम करो तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूँ, तो उस दिन मुझे उसको चला के उसके घर छोड़ना पड़ा इंस्टेड ऑफ ही ड्रॉपिंग एट माई हाउस, तो वो एक फनी थी, और वो करते हैं तो एक अच्छे उसमें करते हैं और बड़ा मज़ा आया सबने। नेक्स्ट डे कई लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ छोड़ के गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि घर कब पहुँचेंगे और कहाँ है मेरा घर, सो इट वॉज वेरी फनी एंड यू नो आई थिंक दैट्स इन अ वेरी you know in a good way, so people really enjoy all that, keeps doing that. ऐसा मैंने होने नहीं दिया क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन लिटिल पर्टिकुलर ऑन दैट, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है, लोग बताते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा है, कहीं ना कहीं व्हेन आई स्टार्टेड विद ऑल रोमांटिक शोज, तो मुझे याद है कि एक रोमांटिक शो ख़त्म हुआ तो दूसरा भी वही आया, मैंने फिर किया, फिर 3rd शो वॉज ऑल्सो रोमांटिक शो, तो कहीं ना कहीं वो वी डिड दैट ऑल्सो, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारे शोज एवरीबडी कॉल्स मी फॉर अ वेरी रोमांटिक एंड यू नो कैरेक्टर विच इज़ अ कैसानोवा एंड दिस एंड दैट, तो मैंने उसके बाद तुरंत एक साक्षी एक्शन शो किया, ऑन अ पर्पज आई डिड दैट शो, एंड व्हेन आई डिड दैट शो द नेक्स्ट शो वाज अगेन ऑन एक्शन शो, सो आई डिड कपल ऑफ दोज, देन आई एंटर्ड इन अ समथिंग डिफरेंट जहाँ मैं सरदार बना था, फिर मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया, सो आई हैव बीन जंपिंग लाइक दैट एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स, आप लोगों ने देखा होगा मैंने पोरस किया जिसमें कम्प्लीटली आउट एंड आउट डिफरेंट लुक, देन जगजननी डिफरेंट लुक, सो आई कीप डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड आई दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी, यू नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ काम इसलिए कर रहे हो कि कोई आपसे पूछता है कि भाई आपका आजकल क्या कर रहे हैं आप, तो मुझे बताना है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, नो आई डू इट फॉर माई सेल्फ, इफ गिव्स मी हैप्पीनेस आई डू इट, बिकॉज एंड ऑफ द डे वॉट मैटर्स कि आप अब काम पर जाते हैं तो खुश हों, जो आप कर रहे हैं दिल से करें वरना ना करें, सो इट्स मोर ऑफ दैट कि यू नो वी डोंट नीड टू डू इट फॉर पीपल, वी नीड टू डू इट फॉर आवर सेल्फ। जी बिल्कुल, अभी ये चीज़ें हुई और एक तो शो कर ही रहा हूँ मैं, और यस आई एम ओपन नाउ, आई एम मीटिंग एंड वर्किंग ऑन थिंग्स एंड सून यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स एंड विल टॉक अबाउट दैट, और मैं फैन से यही कहना चाहूँगा कि इतने सालों से जो दिल से चाहते हैं और सराहते हैं हमारे काम को, इसी तरीके से कीप अप्रिशिएटिंग आवर वर्क व्हाट यू लाइक एंड कीप रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली, एंड यस ऑफकोर्स रनवे 34 इज गोइंग ऑन नियर ऑल सिनेमाज नेक्स्ट टू योर हाउस और वेयर एवर इट इज, गो एंड वॉच एंड ऑफ कोर्स अपना व्यू दीजिए, अपना ओपिनियन रखिए कैसी लगी फिल्म और कैसी यू नो डायरेक्शन आपको और एक्टिंग कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए और कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स।